लोकसभा चुनाव में सिरसा पार्लियामेंट की टोहाना सीट के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा को 50,000 की लीड मिली थी, जिसके चलते कांग्रेस मैनेजमेंट को इस बात का गुमान हो गया कि ये सीट उसकी पक्की है, जिसे भी टिकट दी जाएगी वो आराम से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये आकलन आत्मघाती साबित हुआ है और अहंकार के चलते कांग्रेस से टोहाना सीट पर ऐसी बड़ी गलती हो गई है, जिसके चलते हाथ आई सीट गंवाने का काम कर गई है। टोहाना सीट पर क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या ठीक हुआ है, किसके कारण हुआ है, ये जानने के लिए आज की ये खरी खरी खबर जरूर देखिए। टोहाना सीट पर कांग्रेस को मिली बम्पर लीड के पीछे सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो वो देवेंद्र बबली की थी। देवेंद्र बबली ने 2019 के चुनाव में जेजेपी के टिकट पर 1,00,000 वोट हासिल करके 50,000 वोटों की दमदार जीत दर्ज की थी। अब देवेंद्र बबली के लिए कांग्रेस में जाने के हालात पैदा हो गए थे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला से मोह भंग होने के बाद देवेंद्र बबली कांग्रेस को अपने लिए आसान रास्ता समझ रहे थे, अपने लिए नेचुरल पार्टी समझ रहे थे और इसलिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन भी दिया था। लेकिन जब कांग्रेस में एंट्री की बात आई तो देवेंद्र बबली को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया गया, जिसके चलते देवेंद्र बबली को बीजेपी में जाना पड़ा। लेकिन देवेंद्र बबली का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना जहां कांग्रेस के लिए सबसे बड़े नुकसान का सबब बन गया है, वहीं बीजेपी को मनचाहा गिफ्ट मिल गया है। जी हां, देवेंद्र बबली के कारण टोहाना सीट के सारे समीकरण बदल गए हैं। अब टोहाना सीट पर कांग्रेस ने थके हुए चेहरे परमवीर सिंह पर दाव लगाने का काम किया है। परमवीर सिंह को 2019 के चुनाव में महज 16,000 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भूपिंदर हुड्डा की मेहरबानी से परमवीर सिंह को टिकट मिल गई है और वो अब देवेंद्र बबली के सामने ताल ठोक रहे हैं। देवेंद्र बबली के बगैर बीजेपी के पास भी टोहाना में कोई मजबूत चेहरा नहीं था। सुभाष बराड़ा के राज्यसभा मेंबर बनने के बाद अब इस सीट के ऊपर चुनाव जीतना तो दूर, मजबूती से चुनाव लड़ने वाला चेहरा भी बीजेपी के पास नहीं था। लेकिन देवेंद्र बबली के लिए रास्ते बीजेपी के पास खुले थे और बीजेपी ने खुले हाथों के साथ देवेंद्र बबली का स्वागत किया और उन्हें टिकट देने का काम किया। अब देवेंद्र बबली के कारण ही टोहाना सीट के ऊपर बीजेपी जीत की प्रबल दावेदार बन गई है, यानी पासा पलट गया है। जहां लोकसभा चुनाव में देवेंद्र बबली के बलबूते पर कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी, अब वहीं पर देवेंद्र बबली के कारण ही बीजेपी टोहाना सीट के ऊपर दमदार जीत दर्ज करने जा रही है। हवा चाहे कुछ भी हो, लेकिन हालात बता रहे हैं, ग्राउंड बता रहा है, वोटों के समीकरण बता रहे हैं कि देवेंद्र बबली टोहाना सीट पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब पूरे हरियाणा में कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है और देवेंद्र बबली का अपना वोट बैंक उन्हें मजबूती दे रहा है। बीजेपी का अपना जमा जमाया वोट बैंक भी देवेंद्र बबली के काम आ रहा है और यही वजह है कि दोनों की जुगलबंदी सुपरहिट तौर पर काम करते हुए टोहाना के चुनाव परिणाम को निर्धारित करने का काम कर रहा है। यानी देवेंद्र बबली के कारण टोहाना सीट के ऊपर बीजेपी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं परमवीर सिंह की थकेली पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस के लिए लगातार तीसरी बार हार के आसार टोहाना में पैदा हो गए हैं, यानी टोहाना में परमवीर सिंह की हार की हैट्रिक लगती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र बबली के जरिए बीजेपी ने समझदारी दिखाई है, देवेंद्र बबली को लेकर बीजेपी ने अपना बम्पर फायदा किया है और यही वजह है कि टोहाना के अंदर अब कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की जीत के चांस ज़्यादा हैं, गुंजाइश ज़्यादा हैं, आसार ज़्यादा हैं और यही वजह है कि देवेंद्र बबली टोहाना में लगातार दूसरी बार विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को इस बात का गुमान हो गया था कि उसकी 50,000 की लीड को बीजेपी नहीं तोड़ पाएगी, बीजेपी का कोई भी नेता उस पहाड़ जैसी चुनौती को पार नहीं कर पाएगा और कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत जाएगी। यही वजह रही कि कांग्रेस ने इस बार लगातार दो बार से चुनाव हारने वाले परमवीर सिंह के ऊपर रिस्क लेने का काम किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि परमवीर सिंह को टिकट देने पर 50,000 की लीड भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन 20,000-30,000 वोटों से परमवीर सिंह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात को भूल गए कि देवेंद्र बबली का अपना वोट बैंक है। 2014 में 45,000 वोट उनके खुद के खाते में थे, 2019 में जेजेपी के साथ 1,00,000 वोट ले गए और अब बीजेपी के साथ मिलकर भी देवेंद्र बबली का ग्राफ समीकरण और वोट बैंक तीनों ही कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं और यही वजह है कि टोहाना के इलेक्शन में साफ तौर पर देवेंद्र बबली के बलबूते पर जहां बीजेपी बड़े फायदे में आ गई है, जीत के दरवाजे पर आ गई है, वहीं पर कांग्रेस आई हुई जीत को ठोकर मारकर अपने आप को फिर से हार के कगार पर ले गई है।
टोहाना सीट के समीकरणों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। टोहाना सीट के ऊपर देवेंद्र बबली की पोजीशन क्या है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। टोहाना सीट के ऊपर आप परमवीर सिंह की हालत क्या समझते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन कमेंट करने से पहले आप देवेंद्र बबली और परमवीर सिंह के चुनाव प्रचार के इन वीडियो को जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि देवेंद्र बबली को बम्पर जन समर्थन मिल रहा है, उनके साथ में लोगों की बड़ी कनेक्टिविटी चल रही है। और दूसरी तरफ परमवीर सिंह के चुनाव प्रचार में आपको फीकापन नजर आएगा, आपको लोगों की कम हाजिरी नजर आएगी और परमवीर सिंह के चेहरे पर आपको हार की आशंका नजर आएगी। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।